का नाम लेते हैं सर, कई जगहों का, जैसे कि मैं फेसबुक का मैनेजर हूँ या मैं यूट्यूब का मैनेजर हूँ, जो मेरे पास कॉल आई कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, और क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, मेरे पास यूट्यूबर के मैनेजर का फोन आया है। ये कहा उस साले ने कि मेरे पास यूट्यूबर का फोन आया है, और यूट्यूबर कह रहा है कि ये पंकज नाम का लड़का है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आज जिस विषय पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वो विषय उन सब दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके हाथ में इस समय एंड्रॉयड मोबाइल है। यदि आपके मोबाइल के अंदर नेट चलता है, आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के युग में जितनी गति से कहीं ना कहीं हमारा आधुनिक समय की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जितने माध्यम से हम आज जितने ज़्यादा जो है नेट को यूज़ कर रहे हैं, उतना ही हमारे साथ कहीं ना कहीं हम साइबर क्राइम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। और उसी साइबर क्राइम को लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरह के साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, यदि आप नेट को यूज करते हैं तो। चाहूंगा एक बार वीडियो को पूरा देखना, कहीं ना कहीं यदि आप भी नेट को यूज करते हैं तो कहीं आप भी इस साइबर क्राइम के अंदर फंस तो नहीं रहे हैं। क्योंकि आजकल जो साइबर क्राइम है वो इतना बढ़ चुका है और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप किस तरह से बेवकूफ बन जाएंगे, आपकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका बैंक का खाता पूरा खाली हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले एक दौर चला था, स्कैम चला था कि आपको लड़के जो है लड़कियों को दुखी करा करते थे व्हाट्सअप कॉल करके, वीडियो कॉल करके, जिसमें लड़कियों को फंसाया जाता था, लड़के तैयार होके मतलब बनकर और लड़कियों को बेवकूफ बनाया करते थे। लेकिन अब उल्टा हो चुका है। अब क्या होता है कि लड़कियां फेक आईडी बना करके आपको व्हाट्सअप पे, आपके फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी, और उसके बाद एक से दो दिन के अंदर हाय हेलो की बात होती है, और सीधा उसके बाद सीधा वो सेक्स करने के ऊपर हो जाता है कि आपको हमारे साथ जो है न्यूड कॉल करेंगी या सेक्स करेंगे, और उस तरह में आप इस तरह के झांसे में फंस जाते हैं और सीधा आपसे कई लाखों रुपए की मांग की जाती है। और हैरानी की सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई लड़का इस चक्कर में फंस जाता है तो वो चाहकर भी अपने साथ वाले किसी घर में अपने बड़ों को या अपने यार दोस्तों को भी ये नहीं बता पाता है कि मैं इस तरह के जो है झांसे में फंस गया हूं या मेरे साथ इस तरह का धोखा हो गया है, तो और उनके पैर या उनका विश्वास जो और बढ़ जाता है, मतलब जो इस तरह का अपराध करने वाले अपराधी हैं उनका हौसला और बढ़ जाता है, और उनको क्योंकि उनकी कंप्लेंट अगर नहीं हो पाती है तो वो लोग इस तरह के जो है गोरख धंधे और लगातार करते हैं, नए नए लड़कों को फंसाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उन लोगों का धंधा है कि जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जो लोग नेट यूज कर रहे हैं या जो लोग फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप किसी भी तरह से सोशल नेटवर्किंग के साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों को इस तरह के मैसेज करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और उनके साथ न्यूड वीडियो कॉल करके उनको अपने झांसे में फंसा करके लड़कों को बेवकूफ बनाना। और मैं बता दूं, मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ, महानगर के अंदर हूँ, और दिल्ली में इस समय सबसे ज़्यादा ये मेरे को लगता है जो है स्कैम चल रहा है, और दिल्ली में वैसे पूरे भारत में होगा लेकिन दिल्ली के अंदर जो स्कैम है वो भारत की राजधानी है, इसलिए आए दिन एक दिन में कई लाखों बंदों के साथ, कई लाखों युवाओं के साथ इस तरह का जो है गोरख बात करूं या इस तरह का बेवकूफ बनाने का जो है धंधा इस समय चल रहा है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़कियां इस तरह के धंधे में लिप्त हैं, क्योंकि लड़कियों लड़कों को जो है बेवकूफ बना रही हैं वीडियो कॉल करके। और यहां पर मैं पहुंचा हूं, देखो ये हैं पंकज जी हैं ये, और इन्होंने, ये मुझे जानते थे, इनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ और ये मुझसे इन्होंने संपर्क किया, मुझे बताया कि दिनेश भाई ऐसे से बात हो गई है। हालांकि ये पीछे हट रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे, शर्मा रहे थे कि कल को मैं अपनी बात रखूंगा तो कैसे रखूंगा, पता लग गया लोगों को तो क्या सोचेंगे। इनको मैंने समझाया बताया ताकि लोगों को जागरूक करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है और कल को आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसकी कंप्लेंट जो है तुरंत आप अपने साइबर क्राइम में नजदीकी आने में दें और उनसे किसी भी तरह से झांसे में आने की जरूरत नहीं, ना ही कोई पैसे उनके खाते में डालने की जरूरत है, क्योंकि सब फ्रॉड होता है। और मैंने इनको कहा था, मैंने कहा आप अपना चेहरा कवर कर लेना और एक बार अपनी बात ये बताएंगे क्या इनके साथ हुआ था और कैसे हुआ था। पंकज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम। आपको एक तो पहले दाद देना चाहूंगा कि आपने इतना हौसला रखा कि मैं लोगों को जागरूक करूंगा, क्या और कैसे हुआ था एक बार पूरी बात बताएं आप। ऐसा था सर जी कि दो चार दिन पहले मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी लड़की के नाम से, और उसे मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ,
फिर 2-3 दिन के बाद एक मैसेज आता है मेरे पास, हाय हेलो। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो वो कहती है कि मैं आपकी फेसबुक आईडी के अंदर हूँ और मैं आपकी फ्रेंड हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है आप फ्रेंड हो, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। मगर यह है कि जो आप फ्रेंड हो, वरना लोग तो फेसबुक पर फ्रेंड बना के भूल जाते हैं, मगर आपने याद तो करा। ये हमारी बातचीत चली। फिर नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है कि भारद्वाज जी मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम है, आप कीजिए बातचीत, क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ वीडियो सेक्स करना चाहती हूँ। साला वीडियो सेक्स का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनक गया, और माथा ठनकने के बाद मैंने ये कहा कि ये लड़की पहली बार मेरी फेसबुक आईडी पर जुड़ी है और साला ये मेरे साथ सेक्स करना चाहती है, वो भी वीडियो कॉलिंग पर। मैंने उसे ओके करा, मैंने कहा ठीक है। जब मैंने थोड़ी देर तक उसकी हाय हेलो चलती रही साली, मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं करा। ये बात जाके मैंने अपने वाइफ को बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, ये कोई लड़की है और ये मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज कर रही है। मेरी वाइफ ने कहा कि कोई बात नहीं, जो ये कहती है आप करो, हम भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही मैंने अपनी वाइफ के कहने पर मैंने अपना फ़ोन को रखा, अपने सारे कपड़े वपड़े उतारे, जो भी था मैंने उतारे। उतारने के बाद मैंने उसे वीडियो कॉलिंग मैंने नहीं करी, वहाँ से कॉल आएंगी, आपके पास बिल्कुल कॉल नहीं आएगी, आप खुद नहीं करोगे, वो खुद आपको कॉल करेंगे। वहाँ से कॉल करने के बाद जब उन्होंने कॉल करी, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली बाकायदा, और जब मैंने उसके अंदर देखा कि मैंने कहा हाँ अब ये इन्होंने वीडियो बना ली, तो उन्होंने मेरे को कॉल करके ये कहा कि या तो आप मुझे 1.5 लाख रुपए दो, नहीं तो साला ये आपकी वीडियो मैं फेसबुक सोशल मीडिया यूट्यूब हर जगह पर मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगी। और उन्होंने बाकायदा मेरी वीडियो बनाई, वीडियो बना के मेरे को सेंड करी। तो मेरे दोस्तों आप सबसे यही कहना है कि मैं इतना घबरा गया था बहुत ज़्यादा कि मैं किससे क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। बस एक समझने वाला है, या तो मेरी वाइफ थी या जो मेरे दोस्त है दिनेश जी, मैंने इनसे राय ली। इन्होंने कहा पंकज जी आज ये आपके साथ हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो। हालांकि कल को आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उसे एक्सेप्ट ना करें। फिर मेरे पास आज की डेट में ही मेरे पास कॉल आती है क्राइम ब्रांच से, और वो कहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे एक सोशल मीडिया पे आपने एक लड़की के साथ ये करा है वो करा है। तो मैंने उन्हें बताया सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, ये फ्रॉड कॉल थी। बाकायदा उन्होंने स्क्रीन जो थी उनकी, वो लैपटॉप वाली स्क्रीन थी, लैपटॉप वाली स्क्रीन पर बना के बाकायदा ये वीडियो बनाई है। मैंने उन्हें समझाया तो पुलिस वाला मेरे को ही धमकाता है जो क्राइम ब्रांच से बन के कॉल कर रहा था। मुझे नहीं पता वो क्राइम ब्रांच से है क्या है। वो कहता है या तो ये तुम्हारी वीडियो अपलोड हो जाएगी वरना 1.5 लाख रुपए उस लड़की को दो। जब पुलिस वाले ही ऐसे करने लगेंगे कि 1.5 लाख रुपए उस लड़की को दो, तो मैं कैसे मान लूं कि वो क्राइम ब्रांच पुलिस वाला है। हालांकि अगर मैं दिनेश जी से नहीं कहता, मैं दिनेश जी से नहीं पूछता, और ना मुझे, मैंने खुद कहा कि आपने मुझे हिम्मत दिया है, मैं आने वाले नौजवानों को जितने हमारे भाई बंधु हैं सबको एक ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, किसी लड़की की आती है या किसी लड़के की आती है, तो आप उसे एक्सेप्ट करें और वो नॉर्मली आपसे पहले नॉर्मली हाय हेलो बातचीत करेगा, आपकी लोकेशन पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, आपकी आपका एड्रेस पूछेगा प्रॉपर। जब आप उसे सारी चीज़ बता दोगे तो फिर वो कहेगा कि मैं आपके साथ सेक्स करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आप एग्री हो जाओगे, चलो हमारी फ्रेंडशिप हो गई है, हम फ्रेंड बन गए हैं, अब कोई बात नहीं, अब हम अकेले में भी हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही गलती मेरे से हुई, मगर मैंने इस गलती को अपनी वाइफ के साथ करा, क्योंकि मुझे उसकी बातों से महसूस हो गया था कि जो 3 दिन के अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती है, हाय हेलो कर सकती है, जिसे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, वो मेरे बारे में मेरी आईडी से, यहाँ तक कि मेरी फेसबुक आईडी में घुसकर मेरे सारे फ्रेंडों के नाम, मेरे स्कूल के फ्रेंडों के नाम, या जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ का सारी लोकेशन सारा डाटा वो अपने पास इकट्ठे करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद ये आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दो, नहीं तो ये सारी फोटो ये आपके फ्रेंडों के पास सेंड कर दूंगी या अपलोड कर दूंगी। तो इसलिए मैंने दिनेश जी से कहा कि दिनेश जी आप एक वीडियो बनाएं कि आज जो मेरे साथ बीत रही है वो किसी और के साथ ना बीते। बता दूं दर्शकों कि इनकी भी हिम्मत की दाद दूंगा, और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके साथ ये हादसा हो जाता है लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते अपनी इस बात को रखने के लिए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ कल को ये अपनी बात ना रखते तो शायद ये पैसे कहीं ना कहीं दे चुके होते। और
वो लोग भी सही तरीके से बेवकूफ बनाते हैं पुलिस वाला बनकर के, जो लोग कहते हैं 1.5 लाख रुपए उनके खाते में डाल दो अदरवाइज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो लोग बहाने मारते हैं क्या कि हम लोग फेसबुक के मैनेजर बात कर रहे हैं या हम लोग यूट्यूब के मैनेजर बात करें। साला तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम लोग यूट्यूब के मैनेजर बनोगे? यूट्यूब के मैनेजर बनोगे तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिसी बता दूं, किसी भी सोशल मीडिया की साइट के ऊपर इस तरह की न्यूड वीडियो डालना पहले तो गैर कानूनी है, और जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत वो साइट ही बैन हो जाएगी या आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और आप लोग डराते हैं धमकाते हैं, ये लोग इस तरह के सिर्फ बेवकूफ बनाने का झांसा देते हैं। चाहूंगा सभी दर्शकों से एक बार वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि हमारे आज का जो नौजवान है वो इस तरह के झांसे में ना फंस सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के झांसे में फंसने के बाद वो कहीं ना अपने अपने ना दोस्तों को बता पाता है, ना नजदीकी थाने में जा पाता है अपनी शर्म के कारण, और ना अपने घर पर बता पाता है, सिर्फ बर्बाद हो पाता है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल राइट है जी, बिल्कुल राइट। और बड़ी हिम्मत है इनके साथ इस तरह का हादसा हुआ, मैंने इनको पूरी हिम्मत दी, मैंने इनको कम से कम फोन पे 15 से 20 मिनट कन्वेंस किया, और जो पहले हम लोगों ने इस तरह का वीडियो बनाया है जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया, सेम इसी स्कैम को लेकर के, इस तरह के स्कैम को हनी ट्रैप बताया जाता है, और वो वीडियो इनके पास भेजा तब इनके अंदर हौसला हुआ, तब इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आज के लड़के इस तरह के जाल में फंसने के बाद अपनी बात रखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शर्माते हैं, सोचते हैं हमारी लज्जा जाएगी या हम लोग फंस गए हैं, जबकि फंस वो गए हैं। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो लोग इस तरह के काले धंधे में फंसे हुए हैं, जो आज के लड़कों को बेवकूफ बना के उनसे ठगी का धंधा चला रहे हैं। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और एक बार चाहूंगा वीडियो शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और इस तरह के नौजवान भाई इस तरह के काले जालों में ना फंस सके। कई जगहों का नाम लेते हैं सर, कई जगहों का, जैसे कि मैं फेसबुक का मैनेजर हूँ या मैं यूट्यूब का मैनेजर हूँ, जो मेरे पास कॉल आई कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, और क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, मेरे पास यूट्यूबर के मैनेजर का फोन आया है, ये कहा उस साले ने कि मेरे पास यूट्यूबर का फोन आया है, और यूट्यूबर कह रहा है कि ये पंकज नाम का लड़का है, मैं आपको खुल के अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम पंकज है, उन्होंने खुल के कहा कि ये पंकज नाम के लड़के का फोन आया है, ये उसका फोन नंबर है, आप इससे बात करो, ये सोशल मीडिया पर ऐसी गंदी गंदी वीडियो अपलोड कर रहा है। और हालांकि अगर मैं, आपने जैसे बताया कि अगर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो पहली बात गूगल अकाउंट या गूगल का जो भी मैनेजर होगा वो सबसे पहले मेरा अकाउंट क्लोज कर देगा, बिल्कुल, या फेसबुक का मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब हम ऐसी हरकत करते ही नहीं है तो हम डरे क्यों? ये दिनेश जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने मुझे हिम्मत दी ताकि मैं इस कैमरे पे बोल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लड़का इसके अंदर इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। कई बार तो बहुत से केस इस तरह के आए कि लड़के ने सुसाइड तक कर लिया, इस तरह के केस आए, लड़का ना बता पा रहा ना उसके पास पैसे, लड़के ने सीधा सुसाइड कर लिया, और उन लोगों का कुछ नहीं जाता। ये लोग यूपी बिहार में साला किसी गांव में बैठ करके ये गोरख धंधा चला रहे हैं, ये काले धंधे चला रहे हैं जिसके अंदर नौजवान लड़कों को बेवकूफ बनाया जाता है। बाकी एक बार वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और इस तरह का जो है काले जाल से वो ना फंसे। जय हिंद, जय भारत।